हेलो हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना डायमंड आर्मर बनाने वाले हैं, नेदर जाने वाले हैं, नेदर से लाने वाले हैं ब्लेज रॉड, और जो जो करेंगे देखते जाओ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक मार देना, भूलना मत, या भूल जाओगे तो अभी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मुझसे बात करना, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, ट्विटर पे मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब क्योंकि ट्विटर में बहुत कम जाता हूँ, तो इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो भी कर लेना। और हो गया, चलिए शुरू करते हैं। Why are we still here? Just to suffer. अब देखो, मैं माइनिंग गया था डायमंड ढूंढने के लिए एक्चुअली, बट डायमंड मुझे मिला नहीं। मैंने 3 दिन, day 10, day 11, day 12 माइनिंग किया लगातार, सॉरी 11, 12, 13, ये 3 दिन तक माइनक्राफ्ट में डे नाइट पूरा, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा। देखो, जब मेरे को डायमंड नहीं मिला तो मैंने सोचा कि चलो जाए, डायमंड नहीं करना है। 3 दिन बीत चुका था, बर्बाद हो चुका था ऑलमोस्ट, मतलब कुछ मिला ही नहीं तो हम क्या करें। और मैं एक्चुअली वाइज कल टू 11 पे माइन कर रहा था और पता नहीं क्यों नहीं मिला, मेरा किस्मत खराब था या क्या था। तो यहाँ पे मुझे जो है अभी इंचांटमेंट टेबल पे एक अच्छा इंचांटमेंट मिल रहा था, मैं दिखाता हूँ। और लेवल 30 होने के लिए देखो कितना एक्सपीरियंस बाकी है, लगभग दिख भी नहीं रहा है कितना बाकी है। तो अभी हम लोग लेवल 30 करेंगे और अपने उस पिकेक्स को इंचांट करेंगे, देखते हैं हम लोग को क्या क्या मिलता है। एक्चुअली मैं लेवल 30 कर ही रहा था ये सब करके, खाना वगैरह बेकार में पकने दे दिया था, उतना जरूरत भी नहीं था। तो अभी अपने पिकेक्स को इंचांट करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को। एफिशिएंसी 4 है और देखते हैं इसके साथ हम लोग को क्या क्या मिलता है। एफिशिएंसी 4 के साथ स्वॉर्ड पे शार्पनेस 3 मिल रहा, नहीं पिकेक्स पे ही लेंगे हम लोग। तो पिकेक्स पे मेरे को मिल गया सिल्टस अनब्रेकिंग 3। यहाँ पे मेरा किस्मत ठीक था बट वहाँ उतना कुछ खास नहीं था, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग थोड़ा विलेजर लोग से ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, और ट्रेडिंग में ऐसे नहीं करने वाला हूँ हर बार की तरह स्टिक्स बेच बेच के माथा खराब। मैं विलेजर को वो ज़ॉम्बीफाई की ओर वाला काम करूंगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है वैसे में, मतलब बहुत ज्यादा वुड काटना पड़ता है। तो फिलहाल मैं नेदर जाने का सोच रहा हूँ, नेदर जाऊंगा, ब्लेज रॉड लेके आऊंगा कम से कम 2, और आगे का प्रोसेस तुमको पता ही है, नहीं पता है तो देखो करते हैं कांड हम। अभी इस समय मैं ऑब्सीडियन माइन कर रहा हूँ नेदर जाने के लिए, क्योंकि मिनिमम हम लोग को 10 ऑब्सीडियन चाहिए नेदर पोर्टल बनाने के लिए। तो मैं 10 ऑब्सीडियन माइन करता हूँ, नेदर पोर्टल बनाता हूँ और दिखाता हूँ तुम लोग को मेरा कौन सा मिला स्पॉन मेरे को। तो नेदर में मिलते हैं, अब डायरेक्ट वहां पे मिलते हैं हम लोग। तो आप चाय पानी लेके आना, वहाँ नाश्ता करेंगे सब लोग बैठ के मिलके वहाँ, ठीक है। Stop it. Get some help. फॉर ओनली सेफ्टी पर्पज मैंने 2 और गोल्डन एप्पल क्राफ्ट किया। मुझे डर नहीं लगता ऐसे नेदर वगैरह से, बट सेफ्टी के लिए समझ सकते हो तुम लोग, सेफ्टी जरूरी है। गोल्डन हेलमेट, एज आई सेड, मुझे डर नहीं लगता, बस प्रोटेक्शन सेफ्टी जरूरी है, इसलिए गोल्डन हेलमेट भी। हेलो गाइस, दिस टाइम फॉर नेदर, वेलकम टू द नेदर। और बस हो गया, बस यही होना था। तो ये बायोम मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, ऑलमोस्ट 3 बार पोर्टल खोलने में 2 बार मेरा पोर्टल यहीं खुलता है इसी बायोम में, तो क्या बोलें। तो हो गया, ये था हम लोग का स्पॉन। अभी हम लोग अपने पोर्टल को थोड़ा कोबलस्टोन से घेर कर देंगे ताकि कोई घास वगैरह फोड़ फाड़ ना दो उसे, और फिर चलेंगे हम लोग फोर्ट्रेट ढूंढने के लिए, क्योंकि समझ ही लो क्या ही बोले, बोलने का कुछ बचा ही नहीं है। हो गया, पोर्टल इज ऑलमोस्ट कवर्ड। अब मैं थोड़ा सा इधर उधर मैं जाता हूँ, माइन करता हूँ थोड़ा, देखते हैं अगल बगल फोर्ट्रेस होगा तो मजा ही आ जाए। देख, अरे बहुत बढ़िया, बच गया मैं। अभी अब इस बात पे लाइक करो मैं बच गया हूँ, ठीक है, लाइक करो। सोच क्या रहे हो तुम लोग, तो मैं तुम ही से बोल रहा हूँ जो देख रहे हो, और जो लाइक कर दिया बहुत बढ़िया, थैंक यू। हो गया, मेरा मन बढ़ गया था तो यहाँ पे मैंने बंद करके वापस स्टार्ट किया है। अब अगला दिन, अब देखो अगला दिन जब मेरा मन किया माइनक्राफ्ट खेलने का, तो मैं खोला, टनलिंग स्टार्ट किया डायरेक्ट, मतलब खुले में घूमना खतरनाक है। और मैं आयरन आर्मर में आया हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि डायमंड आर्मर मैं विलेजर से खरीदूंगा, और एक्चुअली लास्ट में जो मैंने विलेजर से आर्मर खरीदा है वो पता है मेरे को एक ऑलमोस्ट अच्छा इंचांट के साथ मुझे वो दिया है। तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक, दीजिए मुझे वॉच टाइम और बस, और क्या देते रहिए, और क्या वॉच टाइम और कुछ। It's time to stop. देखो यहाँ पे आएगा मजा, यहाँ था क्या, यहाँ था लावा, मैंने तोड़ा और मैं सोच रहा था, अब देखो लावा मेरे तक पहुंच जाएगा, मैं क्या सोच रहा था खड़ा होकर मुझे खुद नहीं पता, बस हाँ। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी फूड खाया वापस हेल्थ रिजेनरेट करने के लिए। तो पता नहीं लावा से उतना जल्दी नहीं होता है, ब्लेज का वो बुझ जाता है, मतलब बहुत जल्दी फायर हट जाता है, बट ये लावा वाला थोड़ा टाइम के लिए रहता है। तो मैं एकदम अपना वो क्लिक किए हुए था जल्दी से खाने के लिए, बट हो गया, बच गया मैं।
तो मैं इधर से नहीं जाने वाला क्योंकि इधर लावा है। मैंने अपना कोऑर्डिनेट चेक किया कितने दूर आया मैं घर से, और फिर दूसरी तरफ माइन करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सेफ्टी जरूरी है और कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही फोर्ट्रेस। मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्पॉन ही नहीं हुआ होगा, हुआ होगा मतलब कहीं दूर होगा। तो मैं अब फोर्ट्रेस पे जाता हूँ, फोर्ट्रेस मिला मुझे बहुत दूर, मिला ऑलमोस्ट 600-650 ब्लॉक दूर। तो मैं वहां पे मिलता हूँ तुम लोग को फोर्ट्रेस पे डायरेक्ट। देखो किस्मत मेरा यहाँ पे चमका, बहुत बढ़िया चमका। मैं दिखाता हूँ मेरा जो ये टनल है, ये टनल डायरेक्ट कहाँ खुला, ये देखो डायरेक्ट खुला मेरा फोर्ट्रेस पे। और यहाँ देखो तो कितने सारे विदर स्केलेटन्स थे, तो यहाँ नीचे उतरना थोड़ा खतरनाक था। तो मैं नीचे उतरने की जगह मैं थोड़ा ऊपर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं घर गया वापस क्योंकि मुझे चाहिए था इन्हें डिस्पॉन कराना। और मेरे पास गोल्ड भी हो गया था कुछ, तो उसे भी मैं स्मेल्टिंग के लिए डाल दूंगा ताकि मैं पिगलिन से कुछ ट्रेड कर सकूं। तो वो गोल्ड लेता हूं मैं, फिर वापस मैंने अंदर आया मैं बता देता हूं, वो मैं दिखाऊंगा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा क्लिप। और यहाँ देख रहे मेरे सामने अभी और दो विदर स्केलेटन स्पॉन होंगे, जहाँ वो ब्लेज स्पॉनर है वहां पे, तो वो देखते साथ मेरी और फट गई, वो देखो स्पॉन हुआ, तो मैं वापस चला गया। तो अभी हम लोग घर जाएंगे, गोल्ड स्मेल्ट करेंगे, पिगलिन से ट्रेड करेंगे, उसके बाद फिर फोर्ट्रेस आएंगे, तब तक ये तो डिस्पॉन हो जाएंगे। तो और उसके बाद मैं ब्लेज राउट लेता हूँ, उसके बाद घर चलेंगे हम लोग। अब देखो मैं कैसे कैसे करके मैंने मैनेज किया ब्लेज स्पॉनर पे आने का, बट यहाँ पे ये लोग स्पॉन हो ही जा रहे थे। देखो बहुत दिक्कत हुआ, मतलब बहुत से स्पॉन हो गए थे। तो अगले बार मैं नेदर आऊंगा तो फायर रेजिस्टेंस का पोशन लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत दिक्कत है यार, बहुत लोग हैं यहाँ पे, मतलब उधर स्केल्टन्स और ये यहाँ, और मुझे तो सिर्फ वो चाहिए ब्लेज रॉड, क्योंकि पोशन ऑफ जो वीकनेस होता है वो विदाउट नेदर वॉर्ड के हो जाता है। तो मैं नेदर वॉर्ड भी लेने के लिए नहीं रुकूंगा, दो ब्लेज रॉड लिया मैंने और यहाँ से मैं चल दिया, ठीक है। तो वो मैं दिखा देता हूँ जो दो मैंने लिया और बस, और क्या। 2000 years later. देखो यहाँ पे एक ट्रिक होता है गेट को उल्टा लगाने का, जब तुम गेट उल्टा लगा दो तो विलेजर उस गेट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो मैंने यहाँ घर आया, मैं यही काम किया पहले, ये जो क्लरिक था तो उसको मैंने पैक किया, अब ये गेट के पास जाएगा, ये गेट खुलेगा, गेट बंद हो जाएगा। देखो ये ऐसे नहीं होता है, इसके लिए तुमको गेट को उल्टा लगाना पड़ेगा, जो डायरेक्ट सीधा सीधा लगा देते हो ना, तो लगाओगे तुम लोग पहले तो गेट बंद हुआ लगेगा, लेकिन ऐसे लगाना कि गेट खुले में लगे तुम लोग को, तब ये ऐसा हो जाएगा। और तो अभी हम लोग यहाँ पे इस विलेजर को कोने में साइड में पैक करने वाले हैं, उस विलेजर को जॉम्बीफाई करेंगे, जॉम्बी को बुला के, और पोशन ब्रू करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, कांड हुआ मेरे साथ, वो बता देता हूँ, दिखाऊंगा। तो वीडियो ऐसे ही 7 मिनट का हो चुका है, 12-14-15 मिनट का हो जाएगा। तो मैंने एक विलेजर को जॉम्बीफाई किया और मुझे स्पाइडर आई उस रात को नहीं मिला, उसके कारण ये डिस्पॉन हो गया, मैं थोड़ा ज्यादा दूर भी चला गया था उसके कारण। तो अभी मैंने दो विलेजर को और पैक किया दोबारा, तो वो मैं दिखाता हूँ तुम लोग को कैसे किया, क्या किया, मतलब मजा आया। इसको तोड़ो, यस ठीक है, और हो गया, और क्या, बस तुम लोग डायरेक्ट ट्रीट होते हुए देखो, मजा आएगा। आई गॉट माई सेल्फ अ न्यू पेट, क्या बात है, देख सकते हो कितना प्यारा है ये, द क्यूटेस्ट प्रेडेटर है ना, बहुत प्यारा है ना, साला चीप टाइप का देखने में लगता है बट अच्छा है, देखने में थोड़ा ठीक ठाक नहीं है बट चलो ठीक ही है, ले लिए एडवांसमेंट के लिए। बट अगर कभी दिल आ गया तो उसका नाम भी दे देंगे कुछ, तो नाम अगर कुछ सजेशन में है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो तुम लोग, और बस हो गया, और क्या। ये देख सकते हो विलेजर को मैंने धर के रखा है यहाँ पे, और ऐसे ये विलेजर मरने वाला है थोड़ी देर में, तो मैं दो विलेजर को और पैक करने वाला हूँ, तो उसका देखो कैसे हुआ काम। तुम लोगों ने ध्यान दिया ना दिया हो, मैंने ध्यान दिया, मैं मॉब मारते मारते मेरा लेवल देखो ऑलमोस्ट 30 लेवल तक मैं पहुंच गया हूँ। तो यहाँ पे बस मैं स्पाइडर मतलब दो रात से मार रहा हूँ, हर स्पाइडर को मारा जो दिखा, बट किसी ने आई ड्रॉप नहीं किया, फिर लास्ट में एक ने किया, वो भी गलती से, तो काम हो पाया मेरा, नहीं तो मतलब असंभव, इतना मारा मैंने, एक ने आई ड्रॉप नहीं किया, फिर आखिरी में एक ने किया, तो उससे हमने पोशन बनाया और जॉम्बीफाई किया और फिर क्योर किया, और बस हो गया। तुम लोग सोचोगे मैं ऊपर क्यों आ गया, अरे मेरे पीछे कोई जॉम्बी नहीं पड़ा था, ना कोई जॉम्बी का बच्चा जो मेरे पीछे पड़ गया और मैं ऊपर डर के आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तो बस ऐसे दौड़े दौड़े ऊपर आ गया था, तो कोई दिक्कत नहीं था। हाँ ये ऐसे यहाँ स्पॉन हो गया है, ओ गलती से हो गया, मैं ऐसे कुछ नहीं दिक्कत है। तो ये देख सकते हो ये दोनों जॉम्बीफाई हो गए हैं, तो अभी हम इन दोनों को क्योर करेंगे। ये देखो मेरे पास है स्पाइडर आई जो मुझे बाहर मिला, अभी गलती से मिल गया, पता नहीं गेम के मन में नहीं था देने का। तो अभी हम लोग जल्दी से पोशन बनाते हैं और क्योर करते हैं इन लोग को, और आर्मर लेते हैं। यस
देखो यहाँ पे मैं एक को बनाने वाला था टूलस्मिथ, एक को आर्मरर। तो टूलस्मिथ के लिए हम लोग को स्मिथिंग टेबल चाहिए, तो मैं स्मिथिंग टेबल के लिए वुड लेने गया था क्योंकि वुड गट गया था हम लोग का। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग कुछ रैंडम स्टिक्स ट्रेड करने वाले हैं एक्चुअली में, 32-32 वाला जो होता है, बट ज्यादा नहीं करेंगे, नॉर्मल कुछ एमरल्ड्स के लिए करेंगे। ये देख सकते हो 5 का जगह एक दे रहा है हमको, और ये क्या दे रहा है, ओ सॉरी इसका बेंच डालना पड़ेगा। ये कितने में दे रहा है, ओ ये तो नॉर्मल पे ही है, अच्छी बात है। तो अभी हम लोग इन लोगों को तुरंत कैसे अपग्रेड करते हैं मैं दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा। ये देखो तो मैं इन लोग को जल्दी जल्दी अपग्रेड करता हूँ, अपना डायमंड आर्मर ले लेता हूँ और बस हो गया। और क्या, एक और चीज दिखाना था मुझे, जो है इन्फिनिटी मिल रहा था एक बो पे, तो मैंने एक नया बो बनाया और उस पे देखो, उस पे मेरा लक अच्छा था। यस, पावर 4, अनब्रेकिंग 3, इन्फिनिटी, तो मुझे मिल गया ये तीनों चीज, मजा आ गया है। हाँ बस ठीक है, तो हो गया। अब तुम लोग बोले कि तो लकड़ी किस चीज के लिए, तो मैं घर घर भटका, मेसन मेसन के यहाँ तक, मतलब एक एक मेसन का घर छान मारा और उन सबका जॉब छीन के, उनको फ्लेचर बना के मैंने स्टिक ट्रेड किया। यस, और इनका तो अलग ही, मतलब एक लेवल इंक्रीज हुआ और इनका 32 से 57, 48 पहुंच गया तुरंत प्राइस। तो मैंने मतलब कुछ एमराल्ड लिया और अपना काम चला लिया। ठीक है, तो अभी मैं आर्मर पहले उसको अपग्रेड कर देता हूँ और आर्मर ले लेता हूँ, तुम लोग को दिखाता हूँ अपना सुंदर चेहरा, खूबसूरत, मजा आ जाएगा तुम लोग को देख के। अब देखो यहाँ से तुम लोग के करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ तुम लोग देखो, ठीक है, देखते जाओ, मजा आएगा। और मैं भी कुछ नहीं बोलने वाला, देखो तुम लोग ध्यान लगाओ। देखो मुझे बोले बिना रहा नहीं जा रहा है, ऑलमोस्ट हम लोग का ये आर्मर अपग्रेड हो गया है। ठीक है, तो हम लोग को ये लेगिंग्स बेच रहा है, तो मैंने अभी वो किया इससे, तो मैं ये दो चीज ले लेता हूँ, तो उससे ये पूरा अपग्रेड हो जाएगा। मतलब ऐसे हो ही चुका है, बट वो होगा ना, इसके देह से वो निकलेगा रीजेनरेशन इफेक्ट वाला वो, तो ये और अपग्रेड हो जाएगा। तो हम लोग के पास ऑलमोस्ट लगभग 6, 7, 8, 9 एमराल्ड में, मतलब हम लोग को मैक्सिमम 10 एमराल्ड लगा हुआ, 10-11 एमराल्ड में हम लोग का पूरा आर्मर कंप्लीट है। देख सकते हो कैसा लग रहा है, सेल्फी ले लो मेरे साथ, गार्ड में फोटो फ्रेम करके लगा के रखना। तो हो गया इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, नहीं आया तो सब्सक्राइब करो चैनल को। और कुछ आइडिया है दिमाग में मैं क्या कर सकता हूँ तो बताओ मुझे, इंस्टाग्राम, ट्विटर और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो जल्दी, सोच क्या रहे हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इसे अभी मैं टूल्समिथ को भी अपग्रेड करने वाला हूँ, तो क्या फायदा दिखा के, बहुत आसानी से वो भी हो जाएगा, या होगा तो मैं दिखा देता हूँ, देख लो। एमरल्ड की कमी है, जाते हैं थोड़ा स्टिक ट्रेड करके आते हैं।